नमस्ते। ओशोज़ एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ सोर्स की, और कार्ड ऑफ सोर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो सोर्स कार्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स को। वॉन्ड्स जो है वो स्टैंड करता है हमारी एनर्जी के लिए, इंथूजियाज्म के लिए, हमारी वो फैकल्टी जिससे हम जो है काम लेते हैं, जिससे हम जो है चीज़ों को मटेरियलाइज करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स में हम देख सकते हैं कि एक हाथ जो है बादलों से निकल रहा है और आपको वॉन्ड्स दे रहा है। एक सिंपली एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है कि जो वॉन्ड है वो आपको गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है, कि वॉन्ड्स की जो शक्ति है वो गॉड गिफ्टेड है आपको। तो ये एक ऐसी शक्ति है आपको क्रिएटिविटी की शक्ति देती है, और इस शक्ति के ज़रिए आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो इस वॉन्ड्स एनर्जी के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे द कार्ड ऑफ द सोर्स के साथ, तो बहुत मैच करता है इसके साथ, क्योंकि कार्ड ऑफ द सोर्स भी जो है इसी ऊर्जा की तरफ जो है आपको इशारा कर रहा है। तो आइए समझते हैं द कार्ड ऑफ सोर्स को। जब हम बात करते हैं ग्राउंडेड होने की, सेंटर्ड होने की, तब हम बात कर रहे हैं अपने सोर्स के साथ जुड़ने की। इस सोर्स के साथ जुड़ने का मतलब है कि आप जो है अपने सारे काम जो है उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक साधक अपने जीवन में धीरे धीरे सीख लेता है कि कैसे उसको जो है अपने सोर्स के साथ जुड़ना है, और सोर्स के साथ जुड़ने का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे एक अनलिमिटेड एनर्जी का रिजर्व है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए हम कार्ड के अंदर जो है हमने जो है एक सन को जो है वहाँ पे दिखाया गया है, और कार्ड ऑफ सोर्स को हम राइडर वेट की कार्ड द कार्ड ऑफ द सन के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो है क्षमता बहुत कम है, वो सिंपली हमें इस चीज़ को बताता है कि अभी आप जो है उस अनलिमिटेड सोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं। क्योंकि उस सोर्स के साथ जुड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको जो है ऊर्जा की कमी पड़े, और ये सोर्स कुछ ऐसा है जिस जो आपके साथ सदा से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ जो है आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कैसे करते हैं? कनेक्ट एक ही तरीका है कि जब आप अपने भीतर जो है उस ध्यान की ऊर्जा के साथ जो है जुड़ना शुरू करते हैं, वो ध्यान की ऊर्जा आपको धीरे धीरे उस सोर्स के साथ जोड़ती है, और उस सोर्स के साथ जुड़ के आपके भीतर जो है एक मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। आपकी लाइफ जो है वो एक्सप्रेशन आना शुरू होता है आपकी लाइफ में, जो आप हमेशा से चाहते थे। आप वो होना शुरू होते हैं जो आप सदा से होने के लिए आए थे यहाँ पे, और वो सोर्स जो है आपकी असली ऊर्जा है, आपका असली होना है। और वो सोर्स ज़्यादा दूर नहीं है, आपको अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना, आपको बस अपने भीतर जो है अपनी आँख जो है अपने भीतर मोड़ लेनी है, और उस आँख को भीतर मोड़ते ही उस सोर्स के साथ आप जुड़ जाते हैं। गुरु ओशो जो है सोर्स के बारे में बोलते हैं कि आपको जो है सीखना पड़ेगा कि कैसे जो है आप इस सोर्स के साथ जुड़ सकें। अभी जो है आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि मैक्सिमम ऊर्जा जो है आपके मन को मिलती है, लेकिन जब आप मन से जो है डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं, जब मन के विचारों से जो है एक गैप आना शुरू होता है, एक डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होता है, तब जो है आप उस अल्टीमेट सोर्स के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। विचार कुछ ऐसा है कि जो आपकी जो है मैक्सिमम ऊर्जा जो है चूस लेता है, ख़त्म कर देता है आपको। लेकिन जितने ज़्यादा जो है आप रिलैक्स रहेंगे, जितने ज़्यादा जो है उस सोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, उतने जो है कम से कम विचार आपके भीतर होंगे, और वो ही आपका असली होना भी है। और इस सोर्स के साथ जुड़ने के साथ आपकी जो है असली जो पोटेंशियल है वो निखरनी शुरू होती है, वो बाहर आनी शुरू होती है। और वो ये भी बोलते हैं कि जो सोर्स है इसको जो है आप कॉन्शियसनेस का एक रूप समझिए, इसको आप गॉड भी कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है एक ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड है गॉड से ज़्यादा, क्योंकि गॉड को हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम कॉन्शियसनेस को ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्शियसनेस में ठहर गए तो आप उस सोर्स में ठहर गए, उस अल्टीमेट पोटेंशियल में ठहर गए जो कि आपका होना है। और एक सन्यासी को, एक साधक को,
24 घंटे ये प्रयास रखना चाहिए कि कैसे वो जो है अपने भीतर कॉन्शियस बना रहे, कैसे जो है वो सोर्स के साथ जुड़ा रहे। अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर माँ अमृतम गमया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैसे जो है आप जो है अपनी लाइफ का जो आपका जो पैटर्न बना हुआ है, जो आपका लाइफ का जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो टूट के जो है वो टूटना शुरू हो और वो जो है वही सेम ऊर्जा जो है कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होनी शुरू हो। वो कॉन्शियसनेस में कैसे कन्वर्ट होगी? जब आप अपनी ऊर्जा के ऊपर काम करेंगे, जब आप अपनी ऊर्जा को जगाना शुरू करेंगे। और जितनी ऊर्जा जाग जाएगी, बहुत ही नेचुरल वे से आपके भीतर जो है कॉन्शियसनेस का जन्म होना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जो है ऊपर से लाद सकते हैं, कि अगर आप ऊपर से जो है कॉन्शियस होने की कोशिश करेंगे तो वो जो है बड़ा असंभव टास्क है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने भीतर जो है एक मेंटल अलर्टनेस क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं क्रिएट कर सकते। कॉन्शियसनेस तब क्रिएट होगा जब आपके भीतर जो है कुछ जागना शुरू होगा। और इस ऊर्जा को जगाने का जो है एक ही मार्ग है, ध्यान, योग, क्रिया, भक्ति, ये सब मार्ग जो हैं ऊर्जा को जगाने के हैं। एक बहुत ही एक सुंदर एक स्टोरी है बुद्ध के जीवन की। बुद्ध जो है 40 साल लगातार जो है उन्होंने जो है अपना ज्ञान बांटा, अपने बुद्धत्व को बांटा। एक दिन की बात है कि जब वो सभा में आए तो लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, 10,000 भिक्षु थे वहाँ पे। लेकिन इस बार सभा में वो सिर्फ अपने हाथ में जो है एक कमल का फूल लेकर आए, और वो कमल का फूल लेकर आए और इन सब भिक्षुओं के आगे, इन सब लोगों के आगे वो बैठ गए। और ये सभा ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ फूल को देखते रहे। जो भिक्षु बैठे थे, जो लोग बैठे थे, वो इंतज़ार में थे कि अभी बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो बस फूल को देखते रहे। फिर अचानक से जो है भीड़ में से एक व्यक्ति के हंसने की आवाज़ आई। वो व्यक्ति जो है बहुत ज़ोर से हंसा। वो बुद्ध के भिक्षु महाकश्यप थे। बुद्ध ने इशारे से महाकश्यप को अपने पास बुलाया और ये कमल का फूल जो है उसको दिया। और फिर उन्होंने उस सभा को बोला कि जो मैं तुम्हें शब्दों से दे सकता था वो मैंने तुम्हें शब्दों से दिया है, लेकिन जिसको मैं शब्दों में नहीं दे सकता था वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। यहाँ भगवान बुद्ध जो है इशारा कर रहे हैं उस सोर्स की तरफ, कि कैसे आप जो है उन शब्दों को छोड़कर उस मौन की स्थिति में उस अल्टीमेट सोर्स के साथ जो है जुड़े। और जैसे जैसे जो है आप उस सोर्स के साथ जुड़ेंगे, आपके भीतर का जो कमल है वो खिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।